तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि 2024 में मोबाइल रिचार्ज के रिटेलर कैसे बने। आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मोबाइल रिचार्ज वाले कौन सी एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हैं जिससे वो अच्छा पैसा कमाते हैं। उसमें मैंने आप लोगों से पूछा भी था अगर आपको रिटेलर बनना है तो आप लोग कमेंट करना। तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि बताओ कि रिटेलर 2024 में कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा जियो, एयरटेल, वोडाफोन, एडा, बीएसएनएल के रिटेलर कैसे बनते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रिटेलर बनने के लिए चाहे आप किसी का भी रिटेलर बनो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, एडबी डॉट का ये आदेश सभी कंपनी में लागू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का, कि अगर आप लोगों को रिटेलर बनना है, अब दिसंबर 2023 से ये नियम लागू कर दिया गया है। अब आप कैसे रिटेलर बनोगे, किसी भी कंपनी का आप लोग अपने नंबर को लापो में क्रिएट करवाना चाहते हो, अब सबसे पहले आप लोगों के पास एक शॉप होना चाहिए। अब वो शॉप आपके पास किसी की भी हो सकती है। उसके बाद में आप लोगों को दोस्तों एक एफिडेविट बनवाना होगा जो कि पर तहसील से बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके एरिया में हर कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, चाहे वो एयरटेल, जियो, बीआई या बीएसएनएल किसी का भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके पास जाना, उनसे कहना हमको रिचार्ज करने के लिए लापो नंबर बनवाना है। तो वो आपको यहाँ पर एक एफिडेविट देंगे, कुछ इस तरीके का एफिडेविट होगा, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। जिस भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे वो आपको एक ऐसा यहाँ पर एफिडेविट देगा। इस एफिडेविट में आप लोगों को साइन, मोहर, सब कुछ यहाँ पर फिल हुआ दिख रहा होगा, मगर जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देगा उसमें आपका नाम, एड्रेस ये फिल करके देगा और आपको बाकी का काम आगे कराना होगा। कहां से कराना है मैं आपको आगे बता दूंगा। ये फॉर्म जो है एफिडेविट का वो आपको वही डिस्ट्रीब्यूटर देगा, ठीक है, उसमें आप साइन वगैरह कर लेना। उसके बाद में दोस्तों क्या होना है, फिर आप लोगों को जाना होगा तहसील में, ठीक है, आपके यहाँ पर जो भी तहसील हो, जो भी यहाँ पर एडवोकेट बैठते हो उनके पास जाकर और आप लोगों को एक ई स्टाम्प लेना है, ठीक है, वहीं से आप लोगों को मिल जाएगा तहसील से ही ई स्टाम्प। जब आप लोग ई स्टाम्प लोगे तो आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, उसमें आपकी जो भी नेम, डेट ऑफ बर्थ या जो भी एड्रेस वगैरह फिल होता है, ठीक है, ई स्टाम्प वो आपको दे देंगे। अब आप किसी भी वकील के पास जाना और उनसे आप लोग इस स्टाम्प पर एक नोटरी की मोहर और उनकी कोई दूसरी मोहर लगती होगी वो लगवा के, और जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया था एक एफिडेविट उस पर भी मोहर लगा के और वो साइन कर देंगे अपने, ठीक है, बस इतना काम हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग क्या करना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना और वो आपका नंबर लापू बनाने के लिए कंपनी को दे देगा। उसके बाद में दोस्तों कंपनी और आपके बीच जो भी उनके एप्लीकेशन होते हैं ना, कंपनियों के, जिस भी कंपनी का आप लोग रिचार्ज एप्लीकेशन का आईडी लेना चाहते हो, जैसे कि मान लो एयरटेल में एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन होता है, जैसे ही आपके नंबर को रजिस्टर कर दिया जाता है उसके बाद में आप लोग उसमें लॉगिन करोगे, जो भी एफिडेविट है सारा अपलोड करना होगा, उस कंपनी के साथ आप लोगों को ई साइन करना होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद में 1 से 2 दिन लगता है, जो लापू है वो क्रिएट हो जाएगा, आप लोग एक रिटेलर बन जाओगे। अच्छा हम बात करें कितना पैसा जाता है रिटेलर बनने के लिए, तो देखो जो भी आप लोगों का एफिडेविट में लग जाए, वकील जो भी यहाँ पर 150 रुपए ले लेता होगा, ठीक है, और यहाँ पर रिटेलर बनने के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपसे 100-200 रुपए जो भी चार्ज करें, तो 500 रुपए मान लो, ठीक है, 500 रुपए में आप लोग एक कंपनी के रिटेलर बन सकते हो। तो इतना ही प्रोसेस करना होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से ये रूल लागू किया गया है। अब आप लोग जिसे पहले आसानी से रिटेलर बन जाते थे अब आप नहीं बन पाओगे। अगर आपको इतना कुछ नहीं पता है तो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी पूरी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय।